नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है, एग्जिट पोल आ गए थे तो भला राजीव नारायण जी का शो क्यों नहीं होता और सवाल क्यों नहीं पूछे जाते। मुझको यकीन है आप लोग आज बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि एग्जिट पोल तो बम बम करके मोदी सरकार बना रहे हैं, एनडीए की सरकार बना रहे हैं, फिर राजीव जी क्या कहेंगे। तो मैं राजीव जी के पास ले चलता हूँ। उससे पहले जो मैं हमेशा कहता हूँ, आपका ज्योतिष में यकीन हो तो ये प्रोग्राम देखिए, ज्योतिष में यकीन ना हो तो मत देखिए। मेरा यकीन है इसलिए मैं ये प्रोग्राम करता हूँ। आज ले चलता हूँ राजीव जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बड़े मज़ेदार बातचीत है आज राजीव जी से। मैंने उनसे पूछा, डर तो नहीं लग रहा है? मैंने उनसे कहा, दिल्ली से मित्र का फोन आया था कि अगर सरकार बनी भाग लीजिएगा लंदन ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं। लेकिन ये मजाक की बात थी, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। चलते हैं राजीव जी के पास, सुनते हैं क्या कहते हैं वो एग्जिट पोल के बारे में। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। एग्जिट पोल आ गए, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, डर लगा, क्या लगा आपको? लगा कि सब कुछ उल्टा पुलटा हो गया, एनडीए भारी बहुमत के साथ सत्ता में आता दिखाई दे रहा है, आज तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होगा कि भविष्यवाणी गलत हो गई? नहीं नहीं अभी संजय जी, भविष्यवाणी तो 4 जून को आएगा रिजल्ट तो। और जहां तक मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ, ना तो भैया मुझे बीपी है, ना शुगर है और ना मुझे डर लगता है बिल्कुल भी। आपको बता, मुझे सबसे अच्छा इस दौरान मुझे क्या प्राप्त हुआ इतने 20-25 सालों में, जब से मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, कि फियर पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे नहीं डर लगता, मौत से भी नहीं डर लगता। आज दर्शकों को एक बहुत चौंकाने वाली बात बता रहा हूँ, आज यहीं से शुरुआत कर देता हूँ। मुझे 2019 में दर्शक, मेरे विश्व के सारे दर्शक 4PM के अलावा विश्व के सारे लोग जाने कि 2019 में मुझे कुछ लोगों ने, जब मैं बीजेपी के नेताओं से मिला तो मैं अपनी प्रेडिक्शन जब दिखाई थी मैंने, तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आपको मरवा देगा। जब ये मैंने कहा तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि मैं एक ज्योतिषी हूं, एस्ट्रोलॉजर हूं, तो अपनी कुंडली में देख चुका हूं और अपनी कुंडली देख चुका हूं तो मुझे पता है कि मेरी संसार से विदाई कब होगी। तो उसमें मैंने उनको ये कहा, सज्जन को, कि देखिए भाई, अगर भी मेरी मृत्यु आ गई है तो मैं अपने घर में पैर फिसल के मर जाऊंगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, वहीं खत्म हो जाऊंगा, तो मोदी जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर मेरी मृत्यु नहीं आई है, मोदी जी 21 तोपें लगा दें, उस तोप के आगे मुझे फिट कर दें, तो भी मेरी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि नहीं आई है। तो ये विश्वास इस वजह से है क्योंकि मैं अपनी कुंडली को जानता हूं और भगवान की कृपा से मेरी बहुत अच्छी कुंडली में दशा भी चल रही है, कुंडली भी बहुत अच्छी है इस समय, तभी तो आप देख रहे हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वाक्य भी शेयर करूंगा, तो इसलिए मुझे बिल्कुल कोई डर नहीं लग रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है संजय जी, आपने देखा होगा दुनिया भर में जो ज्योतिषी मोदी की कुंडली डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे बड़े दर्शक, मैं बता रहा, सबसे बड़े फ्रॉड है। क्योंकि नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर 1950 का जन्म ही नहीं है, तो आपने बेस ही गलत कर दिया कि वहां से आप कुछ भी हवाबाजी कर रहे हो। तो इसके अर्था दूसरा, मैंने एक और चीज फाइंडिंग है मेरी 20-25 सालों की, कि किसी को भी एस्ट्रोलॉजी को साइंटिफिक वे में करना नहीं आता। मेरे अपने चंद 2-4 मित्र हैं बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन साइंटिफिक रूप से जितने टीवी चैनलों में, यूट्यूब पे टीवी चैनलों पर आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी नहीं करते, मतलब फंडामेंटल नहीं बताते। मैं तो हर प्रोग्राम में, दर्शक मेरे जानते हैं, इसीलिए मेरी भगवान की कृपा से आप लोगों को मुझे इतना प्यार मिला जिसके लिए मैं हकदार नहीं था, मेरा जैसा साधारण व्यक्ति। तो वो तो इसलिए हुआ कि मैं बकायदा और सिद्धांत बताता हूँ, कुंडली दिखाता हूँ, फिर उसके लॉजिक और रीजनिंग भी देता हूँ। तो आप बताइए कि दर्शक खुद कंपेयर कर सकते हैं कि कितने ज्योतिषी होंगे जो इन डेप्थ इतनी नॉलेज रखते होंगे। मैंने कितनी बुक्स दिखाई हैं आज तक आपको, कितने हॉरोस्कोप दिखाए हैं। तो इसलिए संजय जी, बिल्कुल मुझे डर नहीं लगता। एक दर्शकों को एक चौंकाने वाली बात और बताता हूँ। आज मेरे पास में आज तक चैनल से इन्विटेशन आया कि 3 जून को हम ज्योतिषियों को लेकर के, दर्शक मेरे ध्यान से सुने, कि हम 3 जून को सारे देश के नामी ग्रामी ज्योतिषियों को लेकर एक प्रोग्राम कर रहे हैं और हम आपको उसमें इनवाइट करना चाहते हैं। मैंने सिंपली रिफ्यूज कर दिया। मैंने देखिए भैया, जो मेरा स्टेटस है, मेरा कैलिवर है, मेरी जो मेहनत, अध्ययन, रिसर्च है, वो उन ज्योतिषियों से कहीं दूर दूर तक कंपेयर नहीं कर सकता हूं मैं, तो मैं उस प्लेटफॉर्म पर नहीं जाऊंगा। मैंने रिफ्यूज कर दिया आज तक का ऑफर, क्योंकि मुझे पता है किस तरह के वहां जोशी आते हैं। दर्शक ये जानेंगे, इसने एबीपी न्यूज चैनल ने कभी 2023 में 23 जोशियों को बुला करके, क्या नाम है संजय जी, प्रोग्राम किया था, क्योंकि 2023 आनी थी तो 23 एस्ट्रोलॉजर।
और भाई साहब वहां पर राहुल गांधी गलत कुल्ली चर्चा कर रहे हैं, मेरे से बहस कर रहे हैं। तो मेरे से उन्होंने केवल यह पूछा था कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, तो मैंने कहा कांग्रेस का भविष्य बहुत अच्छा होगा, राहुल गांधी बहुत बड़ी ताकत के रूप में निकलेंगे। आज देश के लोग जान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की अगर नाक में दम किया तो केवल और केवल राहुल गांधी ने किया है। पूरे चुनाव में जो उसने अटैक किया और जिस तरह का उसको मास का जो है सपोर्ट मिला और उसको लोग देखने के लिए आए, तो ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि मेरी तो एक साल पहले की भविष्यवाणी थी कि भाई राहुल गांधी के लिए समय आएगा, तो इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगता। आप मस्त रहिए, मैं तो मस्त। ये आज राजीव जी, एक मित्र का फोन आया दिल्ली से कि बोले कि राजीव जी से कह देना 4 तारीख की शाम की फ्लाइट पकड़ ले लंदन की, ऑस्ट्रेलिया की, कहीं के निकलने हैं। फिर बोले लेकिन राजीव जी को तो जाने भी नहीं दिया जाएगा, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया जाएगा, नतीजे अगर ऐसे आए जैसे एग्जिट पोल में सरकार बन गई तो राजीव जी को तो यहीं रोक के हिसाब किताब बराबर किया जाएगा। भाई देखिए ऐसा है कि वो राजीव जी को तब रोकेंगे जब मेरी कोई जेल का योग चल रहा है, जेल का योग भी मुझे मेरे कुंडली में तो नहीं चल रहा। मेरी कुंडली में तो इस समय फेम मिलने का योग चल रहा जो भगवान ने मुझे दिया भी है कि सब लोग मुझे दुनिया भर में जान गए, वरना मैं कभी नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए निश्चिंत रहे, मेरे कुछ नहीं। और दूसरा बात है, जहां तक लंदन अमेरिका की बात है, तो इतनी जल्दी से एकदम तुरंत थोड़ी फ्लाइट लेके चले जाओ, उसके लिए वीजा अप्लाई करना पड़ता, वीजा मिलेगा ही नहीं। तो वो मुझे को कोई ना, मैं कहीं जाने वाला हूँ, मैं आप लोगों के बीच में हूँ और 4 जून को फिर दोबारा वापस आने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि किस तरह का ये फ्रॉड होता है। और आपको बता देता हूँ एग्जिट पोल के नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है, मैंने अपने पिछले जो आपने 2 दिन पहले प्रोग्राम किया था उसमें मैंने कितना जो है अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया। देखिए वो कितना जबरदस्त वायरल हुआ है संजय जी, कि वो उसको 10-11 लाख लोग देख चुके हैं उसको प्रोग्राम। तो मैं सबसे पहले दर्शकों को वापस वहीं से शुरू करता हूं। एक सेकंड राजीव जी एक सेकंड, आप ये बताइए पहले, क्या आप अभी भी इस बात पे कायम हैं कि सरकार नहीं बनेगी एनडीए की, सरकार नहीं बनेगी बीजेपी की? देखिए ऐसा है, एग्जिट पोल तो टोटली बकवास, थर्ड क्लास है, ये मेलाफाइड इंटेंशन है। क्यों है वो अभी हॉरोस्कोप उसकी बताता हूँ। और दूसरा बात है कैसे तरीके लोग हैं, और लकीली आज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक मुझे आर्टिकल मिल गया था, तो मुझे बताया कि विश्व में पूरे उसको मैं अभी एक्सपोज करूंगा दर्शकों को सुना करके, कि बताता हूं कि किस तरह का ये सिंडिकेट काम करता है और लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ करता है। आपको बताऊं कि ये देखिए सबसे पहले ये 1 जून 2024 6:30 बजे की कुंडली दर्शक द्वारा देख लें, ये कुंडली मैंने बनाई है, इसमें चंद्र कुंडली को देखिए और दर्शक पढ़ लें इसमें मैंने क्या लिखा है इसमें, कि ये रेपुटेशन इसमें डैमेज होने वाली है एग्जिट पोल एजेंसीज की, जो क्योंकि रिजल्ट उसके बराबर नहीं आएंगे। दूसरी बात, मैंने ये वृश्चिक लगन की कुंडली बनी थी जिसमें उसका स्वामी मंगल शनि से पीड़ित हो रहा है, तो शनि का अर्थ मैंने आपको प्रोग्राम में बताई दिया था कि जो रिजल्ट आए हैं उससे वो नीचे गिरेंगे। शनि का मतलब किसी चीज को रिड्यूस करना, उसमें परिवर्तन लेकर के आना। शनि हमारे वैदिक ज्योतिष में परिवर्तन का कारक माना गया, तो परिवर्तन लेके आएगा। दूसरा बात, मैंने इस कुंडली में दिखाया लोगों को, ये देखिए सबकॉन्शियस माइंड है, 5वें घर से सबकॉन्शियस माइंड देखते हैं और 9वें घर से कॉन्शियस माइंड देखते हैं। तो इंटरेस्टिंग है, मैंने जो चुनाव के एग्जिट पोल आ रहे हैं उसी को एक कुंडली बना दिया। तो उसमें मैंने आपको बता देता हूं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। बेसिकली हमारा डेटा बैंक होता है, हमारे शरीर, हमारा जो ह्यूमन बॉडी में 88% आपका सबकॉन्शियस माइंड है और 12% आपका कॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड में डेटा है। अब ये 400 पार का नारा और ये 300 प्लस की सीटें, उनको पहले से चम्मच में दे करके फीड कर दिया गया था। और 16 मार्च को जब चुनाव डिक्लेयर हुआ उसी से पहले, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने जब वो लास्ट लोकसभा अटेंड की थी उसी में उन्होंने कह दिया था। तो इन एग्जिट पोल एजेंसी के पास सबकॉन्शियस माइंड में वही डेटा है, उससे वो बाहर निकल ही नहीं सकते। और इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें कॉन्शियस माइंड का कारक बना और 9वें घर का स्वामी बना चंद्रमा, वो 5वें घर में जाके पीड़ित हो गया राहु केतु के बीच में। तो राहु केतु के बीच में 9वें घर का लॉर्ड पीड़ित हो गया, इसका मतलब इनका कॉन्शियस माइंड भी पीड़ित है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो एग्जिट पोल आज अनाउंस हुए, कल अनाउंस हुए हैं, ये टोटली इसका मेलाफाइड इंटेंशन है और इसके वेस्टेज इंटरेस्ट हैं। इनके दिमाग में कोई षड्यंत्र है इलेक्शन के काउंटिंग को मैनिपुलेट करने का, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था। आपको एक जानकारी और बता देता हूं कि जो है एक आर्टिकल आया था, इसमें मैं पढ़ के सुना देता हूं, फ्रॉम द आर्टिकल ऑफ ए प्रोफेसर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एग्जिट पोल साइंस और पार्लर गेम। ये साइंस है या पार्लर है, पार्लर गेम है क्या है, वंडर्स गिवन दैट द एक्चुअल आउटकम विल बी नोन जस्ट 3 डेज लेटर
व्हाट यूटिलिटी दीज एग्जिट पोल्स माइट सर्व, मतलब इनका जब 3 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है तो इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या हमारे जीवन में करने वाले हैं, के बाद सत्यबाजी का कुछ नहीं करने वाले, जो रिजल्ट आएगा 4 तारीख को आ ही जाएगा। फिर उन्होंने लिखा कि 2004 से अमेरिका में जितने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के एग्जिट पोल हुए सब फ्लॉप हुए। फिर वो ये लिखते हैं कि इंडिया में भी वाजपेयी गवर्नमेंट की इंडिया शाइनिंग में ये लोग इंडिया शाइनिंग करा रहे थे वाजपेयी जी की, टोटली फ्लॉप हुए ये एग्जिट पोल वाले। 2014 में भी इन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं प्रिडिक्ट की थी नरेंद्र मोदी की, एग्जिट पोल वहां पे भी फेल हुए थे। और 2019 में भी ये 242 तक 365 सीट का मार्जिन दिखा रहे थे। मतलब इतना आप ऐसी कौन सा साइंस है कि जिसमें आपको इतना बड़ा गैप दिखा दोगे, तो मतलब तुक्का मार रहे हो आप। और आपको बताऊं इंग्लैंड में दर्शक जाने के 92 से लेके अभी तक जितने एग्जिट पोल हुए वो सब फ्लॉप हुए 92 से लेकर के। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई ये दरअसल क्या है, वो लिखते हैं प्रोफेसर साहब कि ये जो सर्वे के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उनका पालन नहीं करते हैं एग्जिट पोल। तो सर्वे के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, भाई थ्योरेटिकली ये कहते हैं कि एग्जिट पोल शुड इंटरव्यू एवरी 5th और 8th वोटर इन ए पर्टिकुलर बूथ, एक बूथ में जाके हर 5वां या 8वां वोटर को ये इंटरव्यू करें। आप याद करिए, लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं संजय जी, आपका माइक मुंह पे लगा करके कोई नहीं बोल देगा कि मैंने इसको वोट डाला है। आप जब तक उसको कंफर्ट जोन में नहीं लेके आओगे, उससे 2-4-5 मिनट बात नहीं करोगे, जब वो कंफर्ट जोन में आएगा तब वो अपने अंतर मन की बात कहेगा। तो एग्जिट पोल क्या है बेसिकली, मेरा अंतर मन, मेरा जो मन में था, मैंने जिस गुस्सा निकाला या किसी को पसंद किया वो तब निकल के आएगा जब मैं कंफर्ट जोन में आऊंगा। तो ये लिखते हैं कि एवरी 5th और 8th वोटर इन ए पर्टिकुलर बूथ विच इज बेसिकली ए सिस्टमैटिक सैंपलिंग, इसी को सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहते हैं। इन करेंट सिनेरियो इन द कंट्री इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर देम। क्यों इम्पॉसिबल, कि अब आप बताइए कि ये एग्जिट पोल एजेंसी वाले क्या गांव देहात में गए हैं या दलितों के बीच में गए हैं? इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में ये इतनी जल्दी करे आए? अरे ये तो 300 पार का नारा, 325 तो 2 महीने से लगाए हैं, रट लगाए हैं, ये कहीं नहीं गए हैं। ये अमित शाह ने कनपटी पे पिस्तौल लगा के इनसे आंकड़े लिखवा दिए गए हैं। और वहां पर एक बैठा हुआ है जोशी कोई पीएमओ में, उसने भी वो भी गालियां देता रहता है इन लोगों को, गाली दे दे करके चैनल के मालिकों को भी गालियां देता है और पत्रकारों को, वो जो एंकर है उनको भी फटकारता रहता है। तो इसलिए फिर ये लिखते हैं कि फिर एग्जिट पोल का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो कहते हैं इसका ऑब्जेक्टिव एक मैलाफाइड इंटेंशन है, जिसका मतलब है मीडिया के लिए रेवेन्यू जनरेट करना, पैसा जनरेट करना। 3 दिन तक टीआरपी चलेगी, ये लोग बैठेंगे घेर घेर के, लोगों को बैठ जाएंगे और फिर जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा और सट्टे बाजार चलेगा, आपका शेयर मार्केट को चलाएंगे और दूसरे किसी तरह का जो इलेक्शन में मैनिपुलेशन है कि जो लोअर इलेक्शन कमीशन की जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है, जो रिटर्निंग ऑफिसर, एसडीएम, एसपी, इन पर दबाव बना रहेगा 3 दिन का कि भैया यही सरकार आ रही है, इनकी मदद करो। तो ये फर्जीवाड़ा है। इसके ऊपर तो मैंने आपको बताया ना कि दरअसल संजय जी इसमें इनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, मैंने तो लिखा था नहीं कि भाई ये सरेआम फ्रॉड है और इस फ्रॉड का पर्दाफाश होना चाहिए। क्योंकि आपको मैं बता देता हूं कि ये मैंने बुक आपके यहां दिखाई थी, ये बुक देखी है ना आपने फेक न्यूज की, ये दरअसल एग्जिट पोल कुछ नहीं है, ये फेक न्यूज है बेसिकली, और फेक न्यूज है। और इस फेक न्यूज के क्या है जरिए आप जो है दूसरे लोगों को, देश के लोगों को बेसिकली डिप्रेशन में और जो है नाना प्रकार के मानसिक रोगों में जो है आप धकेल रहे हो। धकेल क्यों रहे हो, क्योंकि मैं आपको योग शास्त्र के अनुसार, मैंने कल किताब दिखाई थी, योग शास्त्र के अनुसार आपके मेंटल डिस्टर्बेंस, ये फॉलोइंग मेंटल डिस्टर्बेंसेस बताए गए हैं। चित्त विच्छेद कहा गया, व्याधि, रोग, डलनेस, डाउट, लेजीनेस, मेटलिस्टिक थिंकिंग, इल्यूजन, इनएबिलिटी टू डू भक्ति, इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड बियर दुख, डिजेक्शन, ट्रेमर्स और कंट्रोल ऑफ ब्रेथ एंड प्रोक्रास्टिनेशन, ये जो है बेसिकली आपके मानसिक रोग कहे गए हैं। तो अब 3 दिन तक क्या होगा, इन्होंने देश में देखिए हिंसा बढ़ सकती है, लोग डिप्रेशन में कुछ भी गलत स्टेप उठा सकते हैं और नाना प्रकार के मतलब सोशल अनरेस्ट बढ़ेगा। इनके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर, टीवी चैनल मालिकों के ऊपर और ये एंकर जो डिबेट कर रहे हैं इनके ऊपर
क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए कि एग्जिट जब रिजल्ट हमारा आ गया, चुनाव हो गया, आपका पब्लिक का जो मतादेश है उसमें ईवीएम में बंद है, तो भाई चार दिन, चार तारीख तक का इंतजार क्यों नहीं किया जाता है? तो ये तीन दिन में आप क्या कर लोगे? सो बेसिकली आप लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे, चंद्रमा की दशा चल रही ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे शास्त्रों में एक और कहा गया है, देखिए जब हम पाप पुण्य की व्याख्या करते हैं संजय जी, पाप क्या है शास्त्रों में? पाप क्या गया? इग्नोरेंस, हट, अभिमान, दिखावा, प्राइड, ईगो, वायलेंस, हेट्रेड, द्वेष, असत्य बोलना। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा असत्य बोलना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि सारे झगड़ों की जो जड़ है वो असत्य है। तो ये एग्जिट पोल एक फॉल्स है, फेक न्यूज है। दर्शक मेरे दोबारा सुन लें कि 4 तारीख को परिणाम बदलेंगे, और ये एग्जिट पोल वालों के लिए खतरा है, क्योंकि मैंने कुंडली में पहले ही बता दिया था कि मंगल जो है, अभी राशि आज जो कल बदला है, वो मंगल की और शनि से पीड़ित हो रहा है। उस मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे घर पे जा रही है। तीसरे घर से भारत की कुंडली को मैं बताता हूं, भारत की कुंडली में तीसरा घर हो गया आपका, ये है भारत की कुंडली। भारत की कुंडली तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन का, तो एग्जिट पोल तीसरे घर से ही देखे जाते हैं, और मरकरी इसका कारक है। तो आप देखिए कि, और तीसरे घर में भारत की कुंडली में चंद्रमा की दशा आ रही है। दर्शक मेरी बात आज फिर से सुन ले कि चूंकि भारत की भी चंद्रमा की दशा चल रही है बीजेपी की तरह से, और भारत की कुंडली में आज वो सॉरी कल जब एग्जिट पोल आए हैं उस समय चंद्रमा राहु केतु के बीच में था, इसका मतलब है तीसरे घर का स्वामी पीड़ित है राहु केतु के बीच में। तो राहु केतु के बीच में पीड़ित होने का मतलब है छल कपट। तो इस एग्जिट पोल में छल कपट है, मतलब फ्रॉड है, और ये बेसिकली एग्जिट पोल कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए ये एग्जिट पोल क्या करेंगे, एक बीमारी होती है फियर साइकोसिस। वो क्या बीमारी है? पैरानोइया इज एन एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट कंबाइंड विद कॉग्निशंस। इट मेक्स अस फील एंग्री, सैड और फ्राइटेंड। कंटिन्यूअस सफरिंग विद दिस चेंजेस अवर गैस्ट्रिक जूसेस, हार्मोन्स, अवर ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग एंड स्लीप पैटर्न इन अवर बॉडी। इसका मतलब है इन एग्जिट पोलर ने क्या किया, लोगों की बीमारियां, मानसिक बीमारियां बढ़ा दी। वही है, कुछ नहीं वाला है। एक और बहुत अच्छी याद बात करना चाहिए, मैं याद कि मैं बोलना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपने उस कैलकुलेशन पर आऊंगा जो हम जिसकी दर्शकों को दोबारा परीक्षा होगी। ये दर्शक ये सुन लें कि ज्योतिष क्या चीज है। ये है देखिए एक चार्ट ज्योतिष का, दर्शक ये हमने आपको ये किताब बताता हूँ, ये किताब है और इस किताब ने मेरी जिंदगी बदली थी, कर्माज एंड रीबर्थ। ओके, हाँ इसको मैं बताता हूँ संजय जी क्या था कि ये हम जब सेकंड ईयर में आए थे एस्ट्रोलॉजी में, तो इस क्लास को जो है के एन राव जी लिया करते थे, और उनसे बढ़िया अच्छा कर्मा का सिद्धांत कोई नहीं बता सकता। तो जो भी कुछ हमारे जीवन में हो रहा, जो मैंने अभी चार्ट दिखाया था, ये चार्ट मैंने हैंड से बनाया अपने हाथ से, आप दर्शक मेरे हैंडराइटिंग देख सकते हैं। तो उसमें वो ये चार्ट कहता है कि जो हमारा मानव जीवन हुआ है वो संचित कर्मों के 84 लाख जन्मों के पुण्यों के कारण आपको सबसे सुपीरियर बर्थ मिला वो मानव के रूप में। तो इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, एक प्रारब्ध कर्म होते हैं और एक आगामी कर्म होते हैं। प्रारब्ध कर्म ये आपकी कुंडली जो दिखाता हूं मैं लोगों को, ये आपका प्रारब्ध कर्म है इसमें, और इसको कोई माइका लाल नहीं बदल सकता, स्वयं राम ने भी उस प्रारब्ध को भोगा है। और आगामी कर्म क्या है, द कर्माज विच हैज टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग दिस बर्थ। इस जन्म में जो आपको कर्म करने हैं संजय जी, वो आपके आगामी कर्म कहे जाते हैं, और इसमें 5 प्रकार के आगामी कर्म कहे गए हैं। नित्य कर्म, प्रेयर और डायलॉग टू ईश्वर डेली। नैमित्तिक, सोशल ऑब्लिगेशन, दीज आर ओकेशनल। प्रायश्चित, कन्फेशन, हमें प्रतिदिन कन्फेस भी करना चाहिए, याद रखिएगा कन्फेशन, ये भी ओकेशनल है। कर्तव्य, दीज आर अनअवॉइडेबल, शुड बी डन डेली। ड्यूटीज हैं, आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं कि भाई देश को जो है सूचना का जनता तक लेकर के जा रहे हैं, और जनता की सूचना राजा तक लेके जा रहे हैं। और जो कि पत्रकारिता ने इस 10 साल में जो है हमारे गोदी मीडिया ने सबसे बड़ा जो नुकसान किया, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। तो ये महापाप के भागी हैं, इसीलिए मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था कि इनके ऊपर किसी तरह का हिंसा का योग बन रहा है, मारपीट का योग बन रहा है, इनके चैनलों पर कुछ अटैक हो सकते हैं, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे घर में जा रही है भारत की कुंडली में। और 5वां काम्य कर्म कहा गया, डिजायर एम्बिशन। इसमें वो शास्त्र ये कहता है कि भाई हमें ये रेगुलेट रखने चाहिए,
तो एक इंसान जो कर्तव्य कर्म और अपने कामना कर्म को नित्य कर्म और कर्तव्य कर्म कर रहा है उसकी 80% जीवन उसका सुखी रहता है। ये देखे एस्ट्रोलॉजी एंड कर्माज आर इंटरलिंक्ड, वी गेट द रिजल्ट्स ऑफ अवर ओन कर्माज इन द शेप ऑफ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, फियर एंड एंगर, गेन एंड लॉस, गुड और बैड, फैमिली एंड चिल्ड्रन, हेल्थ एंड डिजीज एंड अदर सोरोज एंड मिजरीज ऑफ लाइफ। According to Padma Puran, every human life is the story of the karmas of the past life. No one can escape it because life is a mixture of sins and holy deeds. In birth after birth, they give their results. According to Mahabharata, in every birth of his, the karmas of a person chases him and he has to enjoy or suffer according to the karmas he has done in his past life. The grahas and nakshatra alone do not produce good or bad results. All that are the result of the karmas done by oneself. They only indicate when is the time for some good results or bad ones to happen. The fructification of these depends upon the order of the dasha and the transit. जो मैंने अमित शाह की कुंडली में बताया कि अमित शाह के कर्मों के फल चुकाने का टाइम आ गया क्योंकि उनकी दशा में इस समय खराब ग्रह की दशा है। तो संचित कर्म के अलावा मैंने आपको बताया दो तरह के कर्मास और होते हैं, अकर्मा और विकर्मा। The karmas done with total detachment and without the desire of the fruits, it is a yogic development, जिसको गुणातीत अवस्था कहते हैं, and leads to salvation, मोक्ष से मिलता है। और विकर्म वो कहलाते हैं, the karmas which give pain and suffering to others are called vikarma. They are anti-parents, anti-social, anti-family, anti-public, anti-society, anti-living being. They leads to divine punishment and a terrible cycle of rebirth and endless suffering. तो नरेंद्र मोदी ने 10 साल से, नरेंद्र मोदी अमित शाह ने केवल और केवल विकर्म किए हैं, मतलब जो उन्होंने समाज को और डेमोक्रेसी के साथ धोखा किया है तो इनको दंड तो मिलना ही मिलना है। अब उसका काल साइकिल आ ही चुकी है। और आगे आपके मैं विषय लेना चाहूंगा कि आपके आगे कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछिए। मुझे ये बताइए कि एक साल से आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसकी गणना किस तरह से की आपने? लगभग हम लोगों का पूरा साल हो गया करते करते बातचीत, और क्या ये गणना सही रहेगी 4 तारीख को आपकी? सबसे पहले मैं आपको, आपको पता आपके हर प्रोग्राम में दर्शक देख लें कि ये 1977 की कुंडली है, जब जिस दिन रिजल्ट आया था। दर्शक दोबारा देखें 1977 की कुंडली, और उस दिन बृहस्पति टॉरस राशि में था। टॉरस मतलब 2 नंबर राशि। तो दर्शक खुद आज जो लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि बृहस्पति आज भी टॉरस राशि में है। तो 1977 में एक अहंकारी सत्ता का अंत हुआ था और आज भी वही स्थिति है कि 1977 का चूंकि वही ग्रह उसी पोजीशन पे आ गया तो एक अहंकारी सत्ता के परिवर्तन का योग बता रहा है। साथ में मैंने ये भी कहा था, और आता हूं उसके बाद 1989 में, एक फंडामेंटल सिद्धांत है, ये एक पुस्तक में दिखाता हूं कि देखिए ये पुस्तक है शनि की, कंटक शनि। शनि को जो है हमारे ज्योतिष में परिवर्तन का कारक माना गया है, और वो जीवन में अच्छे बुरे दोनों परिवर्तन लेकर के आता है। देखिए आपको बता दें, ज्योतिष का ज्ञान बेसिकली वेदों से आया है, लेकिन वेदों में आपको बताऊं उसके प्रेडिक्शन करने के सिद्धांत नहीं लिखे हैं, वो बाद में ऋषियों ने तपस्या करके डेवलप किए थे। और एक और बात बता दो, शनि परिवर्तन का कारक है, अच्छे बुरे दोनों, ये वैराग्य का भी कारक है, परमानेंट ब्रेक और डिसेबिलिटी बॉडी में हो या सिस्टम में, वो आती ही आपके शनि के कारण है। तो भारत की कुंडली में पहली बात तो मैंने अभी आपको 77 का देखा, भारत की कुंडली ये देख लीजिए, ये भारत की कुंडली है, और इस समय शनि देव जो ट्रांजिट में है, ये शनि टी लिखा हुआ है, दर्शक देखें, शनि जो टी लिखा हुआ है ये चंद्रमा से अष्टम भाव में जा रहे हैं, और मैंने अभी अष्टम शनि बताया है, देखिए ये अष्टम शनि लिखा हुआ है इसमें। जब भी, ये ज्योतिष का फंडामेंटल सिद्धांत है, जब भी चंद्रमा से शनि अष्टम में गोचर करेगा, इसको कंटक शनि कहते हैं, तब जनता की राय राजा के विरुद्ध जाती है, मतलब सत्ता परिवर्तन होगी, और सत्ता के घर से गोचर कर रहा है इस समय। तो पहला मैंने 1977 की कुंडली दिखाई, यही कुंडली मैं आपको भारत की कुंडली देख के बता रहा हूं कि भारत की कुंडली में चंद्रमा से अष्टम में शनि गोचर कर रहा है, इसके कारण सत्ता परिवर्तन होने जा रही है, वर्तमान सत्ता नहीं होगी। और मजे की बात बता देता हूं, 4 जून को जो भारत की कुंडली की ग्रह दशा है, उस समय चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति और सूक्ष्म दशा वो उस दिन आपकी शनि की है, और प्राण दशा मतलब पर्टिकुलर डे पे दशा उस दिन बृहस्पति की है।
मैंने दर्शकों को अभी बता दिया 1977 की कुंडली में बृहस्पति का रोल होगा, तो देखिए बृहस्पति भी आ गए, शनि का रोल क्योंकि दसवें घर का स्वामी है और चंद्रमा से अष्टम में जा रहा है, इसका मतलब परिवर्तन करा रहा है क्योंकि शनि इज अ प्लेनेट ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोगों ने आपको बताया था कि शनि जो है डेमोक्रेसी का कारक है, क्योंकि शनि को जो है हमारे वैदिक ज्योतिष में महंगाई बढ़ना, लेबर अनरेस्ट, दलित आदिवासियों का कारक है ये शनि। नीति न्याय का सिग्निफिकेटर भी है और अन्याय के प्रति आंदोलन न करने का भी कारक है अगर शनि पीड़ित हो तो। इसका अर्थ यह हुआ कि, और आपको मजेदार बात बताता हूं, इस पूरे चुनाव में मुद्दा क्या चला है, संविधान, संविधान चला, संविधान खतरे में, और किसके बीच में चला गया, गरीबों, दलितों और अति पिछड़ों में, किसके कारण गया, भारत की कुंडली में। ये फिर देख ले जो मैंने शनि के कारकत्व बताए हैं, वो शनि के कारकत्व देखिए यहां पर लागू होते हैं कि शनि के कारकत्व के कारण शनि देव ही इस सत्ता को पलटने जा रहे हैं, क्योंकि शनि देव किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गरीबों को, आदिवासियों को, लेबर क्लास को, अति पिछड़ों को, इनके कारण ये सत्ता परिवर्तन होने जा रही है। और मैंने प्राण दशा, सूक्ष्म दशा का भी बताया था, एक रिजल्ट बताता हूं 1988 में। तो याद रखिए कि जब भी सत्ता परिवर्तन होगी तो शनि पीड़ित जरूर, मतलब शनि को चंद्रमा पीड़ित होगा, चंद्रमा हमने हर प्रोग्राम में बताया, चंद्रमा आपका मन का कारक है, पब्लिक की ओपिनियन का कारक है। 1989 में राजीव गांधी की सत्ता चली गई थी, ये उस समय की कुंडली देख लें, चंद्रमा शनि क्या नाम है पीड़ित था शनि के साथ में। अब आता हूं मैं कुंडली में आपके, ये 2004 की जब वाजपेयी जी की सत्ता गई है, ये वाजपेयी जी की सत्ता गई है, चंद्रमा से शनि जो है इसमें आपके चंद्रमा से शनि चौथे घर में था, सॉरी चंद्रमा से शनि बारहवें घर में था, 7.5 शुरू हो गई थी। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी जब आए हैं 2014 में, तो देखिए चंद्रमा से शनि जो है ये चंद्रमा से शनि है उसमें, मतलब लगातार हमने ये देखा कि जब जब चंद्रमा से शनि बारहवें घर में जाए, चौथे घर में जाए या आठवें घर में जाए, तो देश में पब्लिक ने सत्ता को उखाड़ फेंका। और आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं, ये है आपका 4 तारीख का गोचर, 4 जून का गोचर, इसमें मैंने सब, इसमें ये सारी कुंडलियां दिखाइएगा। मैंने पहले ही कहा कि जो है पब्लिक का परसेप्शन इसमें बदलने वाला है। ये मैंने बीजेपी की कुंडली आपके सामने बताई थी, 2 कुंडली में दिखाता हूं, ये बीजेपी की कुंडली, मैंने बीजेपी का मिथुन लगन है और मैंने उस दिन का गोचर बता दिया कि बीजेपी के लिए ये सारे ग्रह बारहवें घर में जा रहे हैं। बारहवां घर होता है इस्तीफा देने का, रिजाइन करने का, ये रहा। दर्शक देख रहे हैं, दसवें घर का स्वामी भी इधर गया, लग्नेश भी इधर चला गया, इसका मतलब है बीजेपी के जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको रिजाइन करने की नौबत आ सकती है। इसके विपरीत में इंडिया एयरलाइंस की कुंडली जो कि 18 जुलाई 2023 को 4:20 में हुआ, अब इंडिया एयरलाइंस की कुंडली में देखिए शनि की दशा चल रही है चौथे घर से, चौथे घर में बैठा है और चौथे घर आपको बताऊं सिंहासन का होता है, तो किसको क्राउन मिलने जा रहा है, इंडिया एयरलाइंस को। और शनि की इनकी वर्तमान में दशा जो चल रही है, शनि में शुक्र में बृहस्पति, और देखिए बृहस्पति इनके मान प्रतिष्ठा के घर में है, तो मेरी कैलकुलेशन में लगातार ये आ रहा है कि इंडिया एलायंस विल डू मच बेटर देन एनडीए बीजेपी। और साथ में ये आ रहा है कि भाई हंक का रिजल्ट मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि इसमें किसी भी, हंक का मतलब होता है किसी भी सिंगल पार्टी को वो आपको यह मेजोरिटी नहीं मिलेगी, वो मिलने नहीं जा रही, बीजेपी को भी सीटें नहीं हुई, कितनी सीटें मिलेंगी और क्या होगा ये ज्योतिष का विषय नहीं है। ज्योतिष का विषय उस केस में आता है कि जब आप प्रशांत किशोर जैसे लोगों को 100 करोड़ 400 करोड़ दे सकते हो, हमें भी आप 100 करोड़ रुपए दो, हम आपको नंबर ऑफ सीटें बिल्कुल कैलकुलेट करके बता देंगे, हम इतने सारे कैंडिडेट्स की कुंडली चेक करेंगे और कुंडली का एनालिसिस करके बता देंगे कि ये जो है इनकी विनिंग आ रही है। लेकिन वो तो किसी ने आज तक ज्योतिष पे कोई भरोसा किया नहीं है, और जितने भी ज्योतिषी, मैं आज दर्शकों को बताता हूं, जितने ज्योतिषी सीटें बता रहे हैं ये सब फ्रॉड है, क्योंकि ज्योतिष में कोई ऐसा पैरामीटर, कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें नंबर ऑफ सीटें बता दो, केवल और केवल कुंडली, एक एक इंडिविजुअल की कुंडली देख करके बता सकते हो। इसके अलावा आपको मैंने कल भी बताया था, देखिए कल मैंने बीजेपी का आपका वर्षफल दिखाया, नहीं दिखाया था वो बीजेपी का वर्षफल, देखिए ये मैंने कल दिखाया था, बीजेपी का वर्षफल भी ये बता रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो रही है। मैंने पढ़ के भी सुनाया था बीजेपी के जो है इसमें इनके महत्वपूर्ण नेताओं के गंभीर बीमारियों और अन्य अशुभ समाचार का योग बना रहे हैं। इस वर्ष पार्टी के बिखरने और टूटने का सहयोगी के साथ झगड़े का भी योग है।
वर्षफल भाजपा के तीसरी बार सत्ता में आने का योग का संकेत नहीं दे रहा है। तो ये सब चीजें मैंने आपके पहले प्रोग्राम में कि हमने क्या फंडामेंटल लिया, हमने फंडामेंटल लिया भारत की कुंडली को, वो तो नहीं बदलेगी। हमने फंडामेंटल लिया भाजपा की कुंडली 6 अप्रैल 1980 की, उनका वर्षफल देखा इस साल का कि भाई इनका ये वाला साल कैसे जा रहा है। हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल लिया कांग्रेस की कुंडली 2 जनवरी 1978 को बनी थी, और इनका इस साल का वर्षफल आप देखिए इंटरेस्टिंग है कि उनकी कुंडली में राजयोग दिखा रहा है कांग्रेस की कुंडली में। मतलब कांग्रेस जो है किसी ना किसी फॉर्म में सत्ता की भागीदार बनेगी, ये मैंने आपको क्या नाम है पहले ही बता चुका हूं। तो सवाल ये है कि जो एग्जिट पोल के बाद जो माहौल बना है, दरअसल क्या है ना, हम लोगों के अंदर क्या हो गई है कि फेक न्यूज ने इतना हमको डैमेज कर दिया। एक चीज और संकेत बहुत अच्छा बता देता हूं, जब शुक्रवार को आखिरी दिन था शेयर बाजार का, अब अगला शेयर बाजार, संजय जी मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी ना कि 4 तारीख को शेयर बाजार गिरेगा, तो उसका सिद्धांत मैं आपको बताता हूं कि शुक्रवार को जब बाजार जब ओपन होता है तो बहुत तेज था, 400-500 पॉइंट ऊपर चढ़ गया था, शेयर काफी आईटी के शेयर भी भागे थे, लेकिन शाम होते होते वो शेयर जो है नीचे आ गए, प्रॉफिट बुकिंग हुई और वो सारा लॉस हो गया। इसका कारण ये था कि शुक्रवार को बुध ने अपनी राशि बदली थी। बुध भारत की कुंडली में 5वें घर का लॉर्ड है, 5वां घर स्टॉक मार्केट का होता है, और बृहस्पति हमारे 8वें घर का लॉर्ड है, स्पेकुलेशन बृहस्पति से देखी जाती है, 8th हाउस है, वो दोनों लग्न में चल रहे हैं। तो एक पुस्तक मैं बहुत अच्छी दर्शकों को दिखाता हूं, ये व्यापार रत्न पुस्तक है ज्योतिष की, पहले के टाइम में सटोरी है, इस पहले जो जोशी बताया करते थे, जो आपका होता है ना वायदा कारोबार, जो वायदा कारोबार होता है संजय जी, वो वायदा कारोबार इसी मैं हमेशा जोशियों की सलाह ली जाती थी, किस दिन किस समय क्षण माल खरीदना, किस समय बेचना है, कौन से सेक्टर में जाना है, लोहा लेना है, चांदी लेना है, अनाज का भी जो वायदा कारोबार था वो भी, ये सब इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए हैं। तो इस पुस्तक को जो मैंने दिखाया है, इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि शुभ ग्रह बेनिफिक प्लैनेट्स मंदी लाते हैं और पाप ग्रह तेजी लाते हैं, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट का पैसा है वो जुआ सट्टे का पैसा माना जाता है। तो पाप ग्रह क्या करेंगे, गलत काम की तरफ प्रेरणा देंगे। तो इसमें आपको बता देता हूं कि भारत की कुंडली जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, 4 जून को भारत की कुंडली में ब्रह्मांड के सारे शुभ ग्रह लगन में बैठे हैं, इसका अर्थ ये बता रहे हैं कि शेयर बाजार में उस दिन गिरावट दिखाई दे रही है और होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में। तो ये मेरे प्रिंसिपल थे, और मैंने कांग्रेस की ये कुंडली वर्षफल दिखा दी, कांग्रेस की कुंडली में देखिए राजयोग आ रहा है, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है संजय जी कि इस फेक न्यूज ने क्या किया है। देखिए आपको पता है फेक न्यूज क्या करती है, आपको मनोदशा पे इतनी मैंने फोबिया तो आपको बता दिया, फियर साइकोसिस बता दिया, ये बेसिकली जब हमारे अंदर फियर आता है हमारी प्राणिक शक्ति को खराब कर देती है, हमारा ऑटोमेटिकली जब हम अंदर, याद रखिएगा कि प्राण जो है वो बेसिकली उसका सीधा सीधा कनेक्शन माइंड से है, कि जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट आएगा आपका प्राण छोटा हो जाएगा, या आप क्रोधित होते हैं, लो फीलिंग में और रेस्टलेस होकर के, दोनों केस में प्राण आपका कमजोर हो जाता है और आपकी जो है सांस छोटी हो जाती है। अब जब सांस छोटी हो जाती है तो मल्टीपल जो है इसमें बीमारियों के लिए बेस तैयार हो जाता है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हमारे 5 प्रकार के प्राण हैं, इसी प्राण के 5 फंक्शन है। मेडिकल साइंस तो देखिए इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है बीमारी को पकड़ने के लिए, हमारे योग शास्त्र में प्राण, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये तो आज एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिए हैं, ये 3 दिन में लोगों के अंदर प्राण एक शक्ति कमजोर करने वाला है, बीमार बना देंगे लोगों को। और आपको करना क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, प्राण आपका 5 फंक्शन है, एक प्राण इनहेलिंग एक्सहेलिंग डीप एंड स्लो ब्रेथ, अपान होता है जो हमारे बेसिकली एक्सक्रेटरी सिस्टम से बैड वायु निकलती है, टॉक्सिक गैस निकलती है, वो अपान कहा गया, एवोकेशन रिजेक्शन ऑफ ऑल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एक्सक्रेटरी सिस्टम, व्यान कह जाता है सर्कुलेशन, और इसका फंक्शन है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड नरिशमेंट टू एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, ये और ये कंट्रोल करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को और नर्व इम्पल्स को भी। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप जो ऐसी न्यूज देखोगे, बहुत सारे लोगों को बेचारों के सैड मैसेजेस आ रहे हैं, डिप्रेशन में चलेंगे, रात कैसे सोएंगे, भगवान जाना है, तो ये नर्वस सिस्टम उनका उस पर अटैक हो गया है। और उदान कहते हैं ऑल रिएक्शंस ऑफ रिवर्स प्रोसेस, वोमिटिंग वर्पिंग शेडिंग टीयर्स एंड स्नीजिंग, छींक आना। और समान कहते हैं डाइजेस्ट, समान प्राण जो है उसका फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एसिमिलेशन, इट ऑल्सो बैलेंस अपान और प्राण। होता क्या है देखिए,
जब आप पूजा कराते हो ना तो पंडित जी अग्नि में पांच आहुति देते हैं, अपाना ऐश्वा, व्याना ऐश्वा, समाना ऐश्वा, उदाना ऐश्वा, ये पांचों प्राणों को अग्नि को, क्योंकि वो जो प्राण अग्नि के भी हैं वो आपके अंदर भी हैं। और देखिए अब मैं लोगों से ये कहूंगा कि आप मस्ती होकर के मोदी जी वाला मेडिटेशन मत करिएगा। मोदी जी का मेडिटेशन तो कैमरे लगा के होता है, आप चुपचाप मेडिटेशन करिए और 25 गहरी सांस रोज लीजिए पेट से, स्टमक से, मैंने इसको एब्डोमिनल ब्रीथिंग कहते हैं। मैं लोगों को तरीका बता रहा हूं, और उससे पहले से पहले आज दोबारा एक कहानी रिपीट कर देता हूं, प्रोग्राम बस अब हम खत्म करने जा रहे हैं, कि जब पौराणिक एक कहानी है और उपनिषद की कहानी है, सच्ची कहानी है, कि देव गुरु बृहस्पति के पास दसों इंद्रियां और प्राण अपनी शिकायत लेके पहुंचे। उसमें इंद्रियों में आपस झगड़ा होता, इंद्रियां होती है आंख, नाक, कान, जिव्या और जो है आपका त्वचा, ये आपकी कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं, और हाथ, पैर, गुदा, एनस, जेनिटल पार्ट, ये सब जो है हमारे कर्म इंद्रियां हैं। इनमें झगड़ा हो गया था सुपीरियरिटी का, कि कौन सुपीरियर है। तो देव जब बृहस्पति जी ने उनको एक समाधान दिया कि भाई ऐसा करो, तुम मनुष्य के शरीर का एक एक साल के लिए शरीर को छोड़ के चले जाओ और एक साल बाद आना मेरे पास में। तो हुआ भी यही कि वो मनुष्य का शरीर छोड़ करके जब गए, उसके एक साल के बाद जब सब इंद्रियां पहुंची वहां पर, तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई रिजल्ट सुनाओ। तो उन्होंने रिजल्ट सुनाया, आंख कहती है कि भाई अंधे भी जिंदा है, इसका मतलब मनुष्य का बिना आंख के भी काम चल सकता है, बहरे भी जिंदा है बिना कान के भी काम चल सकता है, गूंगे भी जिंदा है बिना जवान के भी काम चल सकता है। उसी झगड़े में प्राण को डिस्टर्ब हो गया, वो बोल गया तुम्हारे झगड़ों से मैं बहुत परेशान हूं, मैं जा रहा हूं। तो जैसे ही प्राण ने जाने की धमकी दी, दसों इंद्रियां उसके चरणों में गिर पड़ी और उनके, भैया तुम मत जाओ, तुम्हारे जाते तो भैया हमारा जो है हमारा अस्तित्व खत्म हो जा रहा, एग्जिस्टिंग खत्म हो जाएगा। तो जो डीप ब्रीदिंग मैं कह रहा हूं आप डेली करिए, मेरे पास आपको बताऊं व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं लोगों के, जिनको मैं काउंसलिंग में बताता हूं, जो भी मेरे से कुंडली दिखाता है, उन्होंने बताया कि हमारी स्लीप की क्वालिटी अच्छी हो गई है, हमारा बीपी कम होने लगा है, हमारी शुगर कम हो गई है। क्यों? क्योंकि इस प्राण के फंक्शन क्या है, जब आप पूरा प्राण इसमें यह होता है, पेट से लिया हुआ प्राण आपका डायफ्राम मिलता है और लंग्स में जाकर के ये ब्लड में मिलता है और आपका प्योर हीमोग्लोबिन बनता है। अगला फंक्शन ये होता है कि 3.5 लाख हमारे एनर्जी चैनल्स हैं, जिनको नर्व कहते हैं, नाड़ियां कहते हैं, इनमें ये प्राण फॉलो होता है तो टॉक्सिसिटी रिमूव होती है। तीसरा फंक्शन उसके ब्रेन में जाता है, जब आप डिप्रेशन में और एग्रेशन में होते हो तो ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उसको पूरा करता है आपका डीप ब्रीदिंग। तो प्रतिदिन जब तक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, संजय जी आप भी करिएगा, गहरी सांस का नियम बनाइए, 25 रोजे मस्ती की आनंद आएगी। तो लाभ क्या क्या होंगे सुना देता हूं, हील वनसेल्फ एंड रिमूव मेंटल सफरिंग, नंबर 2 वी बिकम मोर एक्टिव एंड पावरफुल, नंबर 3 आवर ऑलवेज वन ऑलवेज रिमेन इन ब्लिसफुल स्टेट, फील डिविनिटी एंड ग्रेस, आपके अंदर डिविनिटी आएगी, एकदम आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होने लगेगी। और 5वां कहता है हेल्प्स इन रिमूविंग फियर, फोबिया, एडिक्शन और संशय, डाउट। जैसे भी डाउट हो रहा है ना कि भैया क्या होगा, मोदी जी दोबारा वापस आ जाएंगे, संशय की बीमारी हो गई, होती रहेगी, 3 दिन तक चलती रहेगी। और एक चीज जीवन में याद रखिएगा कि जब आपका प्राण और हनुमान जी की भक्ति, जो मैंने आपको परसों भी कहा था कि हनुमान जी की भक्ति रखिए, 5 हनुमान चालीसा, आके अपान, उदान, व्यान, समान, पांचों प्राणों को बैलेंस करेंगे। आज दर्शक ले सुन लें कि 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ मैंने क्यों कहा था, क्योंकि एक हनुमान चालीसा का पाठ आपके एक प्राण को प्रोटेक्ट करेगा, उसको बैलेंस करेगा। तो 5 हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उससे क्या है, आपके अंदर आत्मबल और मनोबल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, और उसमें बताता हूं एक बहुत फेमस कोट है, अवर एटीट्यूड डिटरमाइन अवर एल्टीट्यूड, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फैक्ट्स, द मनी देन फेलियर देन सक्सेस, एटीट्यूड कैन मेक और ब्रेक ए कंपनी, ए पॉलिटिकल पार्टी, ए पर्सन, ए होम और एनी रिलेशनशिप, इट इज सीन एज ए मेंटल फिल्टर थ्रू विच वी प्रोसेस अवर थॉट्स, ये आपके एटीट्यूड की वजह से होता है। तो एटीट्यूड कब पॉजिटिव होता है, कि जब आपके अंदर भक्ति बढ़ेगी। तो 5 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, 4 जून को मस्त रहिए, अच्छे रिजल्ट आएंगे, आप प्रसन्न रहेंगे और जश्न भी मनाएंगे। तो
संकट ते हनुमान छुड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साजा अस्त सिद्ध नौ निधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता कृपा करहु गुरुदेव की नाथ। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने समय दिया, आभार। तो इधर राजीव नारायण जी, और आपने सुना कि क्या क्या तर्क दिए उन्होंने, और उन्होंने तो दावा किया है कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दिन ज्यादा बचे नहीं है, देखते हैं 4 तारीख को राजीव जी की भविष्यवाणी सही निकलती है या गलत निकलती है। आप अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।